साबुदा को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, लगभग सच कहूँ तो 40 साल के ऊपर का मेरा उनके साथ रिश्ता रहा होगा, क्योंकि मैं एक ज़माने में जब वो एक फिल्म बना रहे थे इंसाफ का मंदिर, उसमें उनका असिस्टेंट हुआ करता था, उनको असिस्ट करता था। उसके बाद उनसे अक्सर वो बेशतर मुलाकात होती रही, कभी थिएटर के ज़रिए और कभी राइटर एसोसिएशन के ज़रिए, क्योंकि राइटर एसोसिएशन में भी एक दफ़ा हम अली रज़ा और एक जानी साहब हुआ करते थे, उनसे मिलने के लिए गए और उनसे दरख्वास्त की कि वो राइटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद मेरा उनसे रिश्ता रहा जब वो राइटर एसोसिएशन के अंदर जनरल सेक्रेटरी थे और मैं वाइस प्रेसिडेंट था, और फिर तो उसे जो भी कहिए, काल कहिए या नेचर का या उनकी बदकिस्मती कहिए या हम लोग की सारों की बदकिस्मती आप कह लीजिए कि उनके ऊपर ये जो हेमरेज हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज हुए, तो उस वक्त भी वो राइटर एसोसिएशन के करता धरता थे और हम लोगों को और पूरे राइटर एसोसिएशन को इस बात का बड़ा सदमा, बड़ा दुख पहुंचा उनके इस अटैक की वजह से। आई नो बाबूदा बिकॉज़ ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी, वी आर इन द सेम इंडस्ट्री एंड ही इज वी लिव इन द सेम बिल्डिंग एंड दैट्स इट, आई ऑलवेज ट्रीट हिम लाइक फादर। जब मैं MLA बना फर्स्ट टाइम तो मैं कई बार उनके साथ बैठ के डिस्कस किया करते थे कि कैसे होना चाहिए, सब कुछ कैसा चल रहा है। मुझे याद है एक बार मैंने एक जगह कुछ स्पीच देनी थी, तो उन्होंने खुद कहा कि बलदेव मैं चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ तुम ज़रूर बोलना। बहुत एक अच्छे आदमी थे, एक बोल्ड फिल्म मेकर हमारे बीच में से चले गए। उनके बारे में एक बात जो मुझे बहुत लगती है, जो मुझे सीखने वाली थी, कि एक फ़कीर जो होता है वही अमीर होता है। उसका छोटा सा नमूना मैं आपको बताऊं, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया उनके साथ, लेकिन मैं अपने घर चला गया और ये बात मुझे याद है, आज बहुत याद आ रही है, क्योंकि आज हम यहाँ पर उनको याद करने के लिए रहा है। घर चला गया तो मुझे पूछा चाय पिएगा, उन्होंने चाय बनाई मेरे लिए, तो एक किताब पढ़ी थी शेल्फ, और उसकी किताब की जो कंडीशन थी उसे लग रहा था कि एकदम ब्रांड न्यू किताब है और बहुत महंगी किताब, काफ़ी मोटी सी किताब फिल्मों के बारे में। मैंने उसको खोला और पढ़ना शुरू किया। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। मुझे उन्होंने कहा मुझे अच्छी लगी किताब, मैंने कहा जी मुझे बहुत अच्छी लगी, बोले ले जा। मैंने कहा बाबू ना ये तो लगता है ब्रांड न्यू। बोला अगर ये किताब ज्ञान नहीं दे रही है तो किस काम की, ले जा। और वो बात मतलब मैं भूला नहीं भूलता कि वो किताब इतनी महंगी किताब, पर उन्होंने मुझे मतलब एक सेकंड नहीं लगाया भूलने के लिए। मैंने उस दिन ही सीखा कि फ़कीरी में अमीरी है। बाबूदा हमेशा इतने सीनियर होकर के भी मेरे जैसे जूनियर के साथ भी इतना एक प्यार का रिश्ता रखते थे कि वो अपने आप में एक अनुकरणीय चीज़ था। और मुझे याद है कि बाबूदा जब अपना जुहू का ऑफिस छोड़ रहे थे तो उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मुझे भी बुलाया और अपना पूरा ख़जाना किताबों का मेरे सामने खोल दिया और कहा कि अतुल इसमें से तुम्हें जो चाहिए तुम लेके जाओ, उठा ले जाओ इसे। मैंने कहा बाबूदा ऐसा मत कीजिए आप, मैं सब नहीं ले जाना चाहता हूँ, आप और भी लोगों को बुलाइए जो जो सुपात्र हो, तो ये किताबें लेकर के जाए। उन्होंने अपनी बहुत सारी किताबें मुझे यूं ही ले जाने को दे दी। जी बाबूदा को मैं 73 में मिला SL स्टूडियो में AV मोहन की शूटिंग के दौरान, और फिल्म की शूटिंग चल रही थी और मैं उनसे डायलॉग लेने गया था, मैं चांद साहब का असिस्टेंट था। और उसके बाद हम लगातार मिलते रहे। बाबूदा से मिलने के बाद हमें ऐसे लगा कि हम जिस भावनाओं को लेके इस इंडस्ट्री में आए हैं वो अगर कहीं मिलती थी तो उनके ऑफिस में मिलती थी। उनके ऑफिस में हमेशा स्ट्रगलरों को खाना मिलता था, अगर कहीं दूसरी जगह पे भी कोई शूटिंग चल रही होती थी तो बोल देते थे कि चलो आज वहाँ चले जाओ, उनकी शूटिंग चल रही है, वहाँ से तो पैसे मिलते थे। और धीरे धीरे हमारा जो एक गुरु शिष्य का एक रिश्ता था धीरे धीरे दोस्ती में बदला। उन्होंने मेरी एक फ़िल्म लिखी इंसाफ का सूरज,
जिसमें हेमा मालिनी जी थी, इत्तेफाक से वो बन नहीं पाई। और सबसे बड़ी उनकी जो बात जो करीब लाई वो ये थी कि वो हमेशा मुस्कुरा के ये कहते थे कि अपने आप को कभी सेठ मत समझो, अगर आप वर्कर रहोगे तो ज़िंदगी में सुखी रहोगे, जिस दिन सेठ बनोगे तो ढेर सारा दुख तुमको घेर लेगा, और आदमी कुछ नहीं कर सकता, डेस्टिनी जो होती है वो उससे सब कुछ कराती रहती है। मैंने इतना काम किया लेकिन आज तक वो बोलते थे मुझे मालूम नहीं कि मैंने ये काम कैसे किया, सब डेस्टिनी ने कराया। फिर उनके साथ मैं डायरेक्टर एसोसिएशन में मैंने चुनाव लड़ा उनके साथ, फिर हम राइटर एसोसिएशन में आए, और उनके सानिध्य में इस तरह की एक सोशल वर्क करने का एक जज्बा जागा। यस, ही वाज अ वेरी वार्म अफेक्शनेट पर्सन, ही लव्ड टू शेयर एवरीथिंग, यू नो, हिज एक्सपीरियंस, हिज इनसाइट विद अस, फॉर एग्जांपल, बिकॉज़ वी वर हिज ऑडियंस व्हेन ही वाज मेकिंग फिल्म्स। आई वाज, यू नो, यंग बॉय, यू नो, हु जस्ट लव्ड टू वॉच मूवीज, एंड हिज फिल्म्स वर ऑलवेज लाइक समथिंग वन कुड लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज़ दे वर सो डिफरेंट and they were so hard hitting and so raw, and of course he was full of anecdotes. For example, especially since I was very keen to know about Tisri Kasam, where he was the chief assistant to Mr. Basu Bhattacharya, and he had amazing anecdote to share about the making of Tisri Kasam. In fact, he also helped in the writing. I remember he was telling me that there was one scene for which Renu was not available. You know, the Hindi writer who wrote the dialogue as well as the story, Harishwanath Renu, he was not in Bombay and the shooting was planned and was not available to write that scene. So it was left to Babuda to write that scene, and there's one line in the film which is a line from Babuda, not by Renu. And it was a remarkable line. It's a scene where, you know, the agent of Hirabai, he's talking to Hiraman, and he's trying to tell Hiraman to just forget about Hirabai and get lost. And the line is that aisa na ho ki Hirabai ko koi chahne wala na rahe aur Hira Devi ko koi poojne wala na rahe, because Hiraman worships Hirabai and the world leers at Hirabai. So in just one line, Babuda defined Hirabai perfectly. Hirabai, who Hiraman worships, and Hirabai, who the world leers at. As a dancing girl, fantastic. सबसे ज़्यादा ताजुखेज़ बात ये है कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये कोई नहीं जानता। ना कभी किसी ने उनसे पूछा, ना कभी उन्होंने बताया कि कहाँ के रहने वाले थे। 9 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे घर से भागकर। यहाँ उन्होंने होटल्स में बर्तन मांजे, वेटर का काम किया, ऑफिस बॉय का काम किया, और उसके 7 साल अपने आप को एजुकेट किया। यही ताज्जुब की बात है कि एक 9 साल का बच्चा घर से भागता है और जॉब्स करता है, और उसके बाद इतना अपने आप को एजुकेट करता है। बहुत रवानी के साथ उर्दू लिखते थे, पढ़ते थे, बोलते थे, हिंदी पढ़ते थे, लिखते थे, बोलते थे, अंग्रेज़ी, बंगला, हर जबान उन्हें बहुत रवानी के साथ आती थी। और जितनी भी उन्होंने फिल्में बनाई, सब जो समाज का आडंबर है, समाज की बुराइयां हैं, समाज का जो नंगापन है, उस नंगेपन को उन्होंने एक्सपोज किया। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे फिल्म्स बनाई, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना बनाने में, ना डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया। जो वो सोचते थे, बहुत ज़िद्दी आदमी थे, वही वो बनाते थे, और फिल्म कभी उन्होंने पैसे के लिए नहीं बनाई। फिल्म बनाने का मकसद था कि उनका जो यूनिट है 50-60 इंसानों का जो उन पर निर्भर है, तो उनकी दाल रोटी चलाने के लिए वो फिल्में बनाते थे। उन्होंने कभी कोई कमर्शियल फिल्म बनाने की भी कोशिश नहीं की। जैसा वो सोचते थे
सबको वैसा ही बनाते थे, और जितना उन्होंने नए लोगों को चांस दिया, मैं नहीं समझता कि दूसरी और कोई मिसाल होगी। इतना सब कुछ करने के बावजूद वो कभी चप्पल नहीं पहनते थे, शू नहीं पहनते थे, मैंने कभी उन्हें खाते पीते नहीं देखा, सिर्फ सिगरेट और चाय पीते रहते थे। लेकिन उसके बावजूद उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत बहुत एनर्जी थी, बहुत ही सादा मिजाज इंसान थे, मुस्कुराते रहते थे। कभी मैंने उन्हें गुस्से में नहीं देखा, कभी मैंने उन्हें अपसेट नहीं देखा, कभी मैंने उन्हें ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा। तो वो आदमी फ़कीर था, उसकी जेब में कभी पैसा नहीं होता था, उसने कभी एक रूम का फ्लैट नहीं खरीदा, उस आदमी ने आज तक कभी गाड़ी नहीं ली। तो वो तबीयतन फ़कीर था, और कभी कोई उनके पास फाइनेंशियल मदद लेने जाता था तो कुछ ना कुछ उसके लिए इंतज़ाम कर देते थे। अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी, शत्रुघ्न सिन्हा, रिहाना सुल्तान, शशि कपूर, देवानंद, जीना तमान, डैनी डेंजोंगपा, प्राण, प्रेमनाथ, रीना रॉय, बड़े बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया, और 25 से ज़्यादा उन्होंने फिल्में बनाई। तो वो तो एकदम फ़कीर आदमी थे, फ़कीर आज दुनिया में है, कल वो कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं चलता। तो हमेशा उन्होंने तैरना सीखा मौजों के खिलाफ। एक शेर है कि मेरे इरादों को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने जलाई है मशाल हवाओं के खिलाफ। तो हमेशा उनकी जो मशालें थीं वो हवाओं के खिलाफ जली, हमेशा वो तैरे मौजों के खिलाफ, तैरे मौजों के विपरीत तैरे। वो फ़कीर था, दूसरी दुनिया में चला गया। कहते हैं कि हम फ़कीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फ़कीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, कौन जाने कल ये हवा हमको कहाँ ले जाए। वेरी रेडिकल फिल्म मेकर, प्लेस ऑफ द फिल्म मेकर, बिकॉज ही मेड डिफरेंट फिल्म्स ऑल टुगेदर, और मोमेंट द टाइम ही मेड चेतना एंड दोस फिल्म्स, आई डोंट थिंक एनीबडी कुड डेयर टू मेक सच काइंड ऑफ फिल्म व्हिच ही मेड फिल्म्स लाइक चेतना एंड जरूर। जो इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई हैं जो ट्रेंड सेटर मानी जाती थी उस ज़माने में, तो आज के ऐसा बोलते हैं ना ट्रेंड सेट करने वाली फिल्में हैं, तो उन्होंने उस ज़माने में ऐसी फिल्म बनाई थी कि जो ऐसी फिल्में आया नहीं करती थी। जो बोल्ड सब्जेक्ट थे, जो हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट थे, वैसे वो बनाया जा रहा है, और बहुत अच्छे लेखक भी थे, राइटर भी थे। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट बाबू दा मेड टू आवर सिनेमा इज दैट बिकॉज ऑफ हिज फिल्म्स आवर सिनेमा became adult, matured, grew up from the usual soft romantic, you know, family fare. It started addressing, you know, important social issues, and very fearlessly and bluntly and in a hard-hitting way, Babuda addressed those issues. And he hit at the hypocrisy of the society, the morality, especially the sexual morality of this country. तो कुछ कहिए। It came under huge attack by Babu. आपके पास तो बहुत कुछ है ना। And that is his perhaps the most important contribution to our cinema. और मेरा ऐसा भी मानना है कि हिंदू इंडिया की या बॉलीवुड की फर्स्ट ऑफ ऑफ बीट फिल्म अगर किसी ने बनाई थी तो वो बी आर इशारा थे, जिन्होंने चेतना नाम की फिल्म बनाई थी, और जो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन फिल्म थी, जिसके गाने नक्शलाल पुरी साहब ने लिखे थे और म्यूज़िक सपन जगमोहन का था, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। बी आर इशारा सिर्फ एक डायरेक्टर या राइटर नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशन थे, वो एक इनकलाब थे। उन्होंने जो फिल्म चेतना बनाई थी, नॉन स्टार कास्ट फिल्म, एक्चुअल लोकेल्स पे शूट किया, जो उससे पहले कोई सपने में भी नहीं सोचता था। टेक्नीशियंस सारे नए FTII के लिए, नए एक्टर FTII के लिए एक टीम बनाई, और एक्चुअल लोकेल्स पे उन्होंने शूट किया,
फिल्म ना सिर्फ हिट हुई बल्कि एक रेवोल्यूशन लेकर लाई। उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ एक्चुअल लोकेशंस पे शूट करने का, और उसके साथ साथ बहुत से नए लोगों के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया, मुतवातिर करते रहे, FTII के नए स्टूडेंट्स को लेते रहे। मुझे बाबूदा के साथ एक फिल्म करने का मौका मिला जन्म से पहले, और बड़े ही प्रिंसिपल्ड इंसान थे, ज़िंदगी को जीना जानते थे। बाबूदा के ऑफिस में एक नोटिस लगा होता था हमेशा कि किसी के पैर ना छूए, किसी के पैर छूना पाप है। तो ये एक शिक्षा थी आने वाली जनरेशन के लिए कि अगर पैर छूना है तो ऊपर वाले के छू, इंसान इंसान के पैर नहीं छूता। और हमेशा बाबूदा जब भी शूटिंग करते थे तो नंगे पैर रहते थे, पूरी शूटिंग में नंगे पैर रहते थे, और हर इंसान को एक जैसा सम्मान और एक जैसी इज्जत और एक जैसा ट्रीटमेंट देते थे। बहुत बेहतरीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे। ऑफ कोर्स आई हैड ट्रेमेंडस रिगार्ड्स फॉर हिम फॉर द सिंपल रीजन दैट फ्रॉम द हम्बल पोजीशन दैट ही रोज इन लाइफ एंड विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन इट वाज सिंपली एडमिरेबल, बट ही नेवर काइंड ऑफ यू नो इंडल्ज्ड इन सेल्फ प्रेज दैट यू नो आई हैव मेड इट so big and things like that. He was a very, very simple and ordinary man. In his work, though, I think he defied the norms that existed at that time. His film Chetna, which is a landmark film in the sense that it dealt with the subject of prostitution in an extremely bold way, was spoke of his, you know, of the way he looked at the hypocrisy of society, and his subsequent films as well. He was very, very critical of the society, but not in a negative way. He never denigrated the society, so to say. And it was very, very unfortunate that, you know, after a while, because his films did not do well at the box office, he was kind of marginalized and he took to writing. And again in his writing, and he was a prolific writer, and there was a lot of angst, lot of passion, lot of anger in his work, and it's truly loss for the industry. I think he was a person who had set a trend of films which are made now as far as the boldness is concerned. वो सबसे ज़्यादा महारत उनको ये थी कि कोई टेंशन उनको दे दो और प्रॉब्लम बता दो, उसको हल करने में बहुत माहिर थे। कई बार उनको बोलते थे कि बाबूदा ये सीन बहुत अच्छा है लेकिन बहुत लंबा है। उस वक्त जो वो सीन लिखते थे, वो जो क्विक जो एक्शन लेते थे, किसी भी चीज़ के अंदर जो डिसीजन लेते थे, वो डायरेक्शन में मैं अगर माहिर कहूँ तो अजीब सा लगता है, क्योंकि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को स्टूडियो से बाहर लाके ये बात साबित की कि फिल्म इंडस्ट्री फिल्में बाहर भी शूट हो सकती हैं। उन्होंने कम बजट की फिल्में बना के ये साबित किया कि फिल्म सिर्फ पैसे से नहीं बनती। उन्होंने बिना पैसे के फिल्म बना के साबित किया कि रिलेशन कितना बड़ा होता है। जैसे पृथ्वीराज कपूर जैसे आर्टिस्टों को बिना पैसे के लेके उन्होंने फिल्म बनाई। शत्रुघ्न सिन्हा जब टॉप पे थे तब उनको लेके फिल्म बनाई, जब वो टॉप पे नहीं थे तब भी लेके फिल्म बनाई। और जहाँ तक उनकी महारत का सवाल है, उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में लिखी, धरती कहे पुकार के आप देखिए, उनके डायलॉग उस तरह से ऐसे लगते हैं कि मानो के वो चरित्र उन्होंने खुद जिए हों। तो महारत के हिसाब से मैं राइटर या डायरेक्टर दोनों में से मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है, क्योंकि मैंने उनके दोनों रूप देखे हैं, वो दोनों में महारत थे। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको कहा कि लोग जब टेंशन में आते हैं तो आपा खोते हैं, बाबूदा को जब कोई टेंशन आती थी तो एकदम संभल जाते थे। और उनकी ख़ास बात थी, वो डायरेक्शन करते हुए जूते चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पाँव रहते थे। बड़े से बड़ा स्टार उनके सेट पर हो, उनके साथ कभी उन्होंने लंच डिनर नाश्ता नहीं किया, वर्करों के साथ बैठ के करते थे। और हमेशा जब हम उनको पूछते थे बाबूदा कल का प्रोग्राम क्या है,
तो बोले अभी रात को पता लग जाएगा प्रोग्राम बनेगा तो। कभी भी उन्होंने इस तरह की कोई टेंशन नहीं रखी कि कल क्या होगा, और जितने दिन का उन्होंने सोचा उतने दिन में उन्होंने फिल्में बनाई। वेल आई डिड अ फिल्म विद हिम, आई हैड अ ऑफिस वेरी नियर टू हिज ऑफिस, वंस अपॉन अ टाइम आई हैव लॉन्ग एसोसिएशन, ग्रेट गाय, आई विश हिम अ लॉट। बाबूदा का, बाबूदा को लोग अच्छी तरह जानते हैं, उनका भागीराना अंदाज, हरे की मदद करना, अपने दुख को छिपा के दूसरे के दुख को देखना और उसकी देखभाल करना, ये बाबूदा का गुण था। हमें शायद हमने जितना हो सका सेवा की, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम बाबूदा की सेवा कर पाए, लेकिन वो कभी मर नहीं सकता जो सबके दिलों में रहता है। बाबूदा कल थे, आज हैं, अच्छी तरह हमारे बीच में। ऐसा पैराग बहुत महान आत्माओं को ही प्राप्त होता है जो बाबूदा को था। एक संस्था ने बाबूदा को सम्मान देने के लिए पत्र लिखा तो उन्होंने जवाब में लिखा, मेरे साथ तो सब कुछ घटित हुआ है, मैंने क्या किया है जो आप मुझे सम्मान देना चाहते हैं, मैंने आज तक कुछ नहीं किया। मैंने कहा बाबूदा एक संस्था आपको सम्मान देना चाहते है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई जिसका नाम अपना नहीं है उसके काम को लोग उसका कहके क्यों ये सब ठोंग करना चाहते हैं, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। बाबूदा से मेरी बहुत सारी मुलाकातें हुई थी, मगर इस बीच जब से मैं फिल्म राइटर एसोसिएशन से जुड़ा तब से उनके बहुत करीब आया, उनको बहुत करीब से मैंने जाना। मेरे पिताजी गीतकार अनजान जो उनके बहुत करीब थे, और मैं जब मुंबई आया और मेरी पहली मुलाकात बाबूदा से हुई, उसके पहले भी मैंने उनकी फिल्में देखी थी और उनके लेखनी के बारे में मैं वाकिफ था, मगर उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मेरे पिताजी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि बड़ा लेखक बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा इंसान बन जाना बहुत बड़ी बात है, और एक बड़े इंसान की जितनी सारी खूबियां होती हैं वो सब बाबूदा में थी। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आया तो मैंने अपनी पहली पिक्चर बाबूदा के साथ ही बनाई थी। बाबूदा मेरे राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और 84 से आज तक 28 साल का सफर फिल्म के साथ व्यतीत किया, और मेरे ख्याल है कि उनसे अच्छी आत्मा और उनसे अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा था। और जो उन्होंने मुझे प्यार दिया, जो उन्होंने इज्जत दी, उसका मैं कभी उसके बारे में खुल दे सकता हूँ। मैं एक बार की तरफ से आप सबकी तरफ से उनका बहुत अपनी श्रद्धांजलि। मुझे याद है 70s में हमारी फिल्मों में दो दौर चल रहे थे, एक दौर था जो मसाला फिल्म जिसे कहते हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए, और दूसरा कुछ आर्टी टाइप फिल्म समांतर सिनेमा जिसे कहा करते थे। ये दो स्कूल चल रहे थे और उसके बीच में अचानक कुछ फिल्में आई, चेतना जरूरत, और उसने सारे मुल्क को झिझोड़ कर रख दिया। हम लोग छोटे थे, बच्चे थे एक तरह से, और हमें ताजुब है कि ये बहुत बंदा है, बहुत शख्स है जो इतनी हिम्मत से, इतनी बहादुरी से, इतनी और इतनी बुलंदी से हमारे सारे जो हमारा पाखंड है, हमारी सारे समाज की जो विषमताएं, हमारी सारी जो बुराइयां, उनको फाड़ के रख दे रहा है फिल्मों में। किसी और शख्स की हिम्मत नहीं हुई फिल्मों के इतिहास में, ना आर्ट फिल्म वालों की हिम्मत थी, ना मसाला फिल्म वालों की हिम्मत थी कि उन बुराइयों को, उस पाखंड को इतनी गहरी चोट कर बाबूदा ने वो हिम्मत की। और आज मैं मानता हूँ कि बाबूदा को कम से कम उसके लिए याद किया जाना चाहिए, इतिहास में उनका नाम दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने अपनी एक नई परंपरा शुरू की, और ये उनकी महानता थी एक तरह से कि जिस शख्स ने हमारे फिल्मों को एक नया व्याकरण दिया, नया ग्रामर दिया, आज हम रियल सिनेमा को या रियलिस्टिक सिनेमा को इतनी बधाइयाँ दे रहे हैं। जो लड़के नए नए आए हैं उनके ऊपर इतना मीडिया का फोकस है, बाबूदा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है।
बाबूदा अपने समय से बहुत पहले आए थे और मेरा ख्याल है अपने समय से बहुत बाद तक भी याद किए जाएंगे। उनको मैं 1970 से जानती हूँ, मगर जब भी मिलते थे बिल्कुल ऐसा लगता नहीं था कि हम बहुत अरसे तक नहीं मिले। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं मानती हूँ कि वो समय से बहुत आगे सोचते थे, सोचा था, और इसी वजह से मेरे साथ लड़ाई उनकी बहुत होती थी। हम लोगों ने जब साथ काम किया तो उनके साथ मेरी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती थी, और वो भी इतने ही जिद्दी जितनी मैं, मगर किसी तरह से हम एक कॉम्प्रोमाइज में आ जाते और उनकी बात भी रह जाती और मेरी बात भी रह जाती। और बाद में वो मुझे आके हमेशा कहते थे, यू मस्ट चेंज योर एटीट्यूड अदरवाइज यू हैव नो वर्क। तुम डायरेक्टर के साथ बहस करती हो। मैंने कहा बोला इतनी बोल्ड मैं नहीं हूँ जितना बोल्ड आप चाहते हैं मुझे बनाना। मेरी में उतनी हिम्मत नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। हाँ तब ठीक है, अगर तुम्हारी कमजोरी तुम मानती हो तो जिस तरह से तुम चाहती हो वैसे ही सीन करें। वी हैड अ वेरी अफेक्शनेट रिलेशनशिप और उन्होंने मुझे भी कुछ साल पहले एक स्क्रिप्ट भी दी थी, कह रहे थे कि मैं बनाना चाहता हूँ तुम प्रोड्यूस करोगी। मैंने कहा नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है आपकी पिक्चर प्रोड्यूस करने की। मैंने कहा मैंने सोचा कि बाल सफेद हो गए तो तुम्हारी जुबान भी बदल गई होगी, थोड़ी तुम सहम गई होगी। मैंने कहा आप सहम गए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी नहीं सहमा वैसे ही। तो मैंने कहा मैं भी वैसे ही। उसके बाद ज़्यादा बात ही नहीं हुई। रेहाना जी से एक आध बार बात हुई, विनय शुक्ला मुझे बाबूदा के बारे में बताते रहे। इट्स अ सैड डे बिकॉज आई बिलीव द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा विल नॉट बी कम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ बी आर इशारा एंड व्हाट ही डिड इन द 70s। आई थिंक ही फर्दर द फिल्म इंडस्ट्रीज लिटिल स्ट्राइड towards the 100th year of cinema in our country. May God bless his soul, and I hope and wish and give all my strength to his family to bear the loss. God bless him. Thank you. क्योंकि मेरी struggle जो के area में होती थी बहुत North Bombay society में और बाबूदा के घर के आसपास, तो मैं बाबूदा के पास जाता था और कहता था कि मेरे हिसाब से जैसी आप फिल्में बनाते हैं, आपकी फिल्मों में शक्ति कपूर के लिए एक अच्छा रोल जरूर निकलेगा। तो जैसा जय जी बोल रहे थे कि कुछ 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल पहले वो कुछ कहानी पे बैठे थे और मुझे इनडायरेक्टली मैसेज मिला था कि शक्ति अब जो लिख रहा हूँ शायद तेरे लिए अच्छा रोल है। एनीवे मी एंड माय फैमिली, माय वाइफ टू चिल्ड्रन, वी पे आवर होम्स टू रेहाना जी। बाबूदा के साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला मुझे, लेकिन उनके साथ मुलाकात अक्सर हुआ करती थी। मैं उनको अपनी फिल्म इंडस्ट्री का हुसैन कहा करता था, बिकॉज वो चप्पल नहीं पहना करते थे। मिस्टर हुसैन जो बड़े इतने बड़े पेंटर थे वो भी नंगे पैर चलते थे, और बाबूदा की याद मुझे ऐसे मेरे दिल में है। बस प्रार्थना कर सकता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू वेरी मच। जिस वक्त मैं इंडस्ट्री में आया 1969, तो मेरी पहली फिल्म और पहला डायरेक्टर
सुना था कोई दूसरे थे, जब सेट पे आया तो आविदा को देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यंग मैन, although it is not my cup of tea the film which you are going to act रातों का राजा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा मेरा साथ जितना भी इस फिल्म में रहे बहुत अच्छा रहे। समय बीतता चला गया, आई वेंट इनटू टेलीविजन, बीच बीच में बातें होती थी, मुलाकात होती थी, रिहाना जी के साथ भी कभी कभार बात होती थी। एक दिन मैंने बाबूदा से कहा कि बाबूदा, भगवान के आशीर्वाद से टेलीविजन में कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, आइए, आप इतने काबिल इंसान हैं, आपसे बैठ के कुछ बातें करेंगे, सीखेंगे, कुछ सब्जेक्ट लेंगे। उनका वही अंदाज था, वही एक फकीर का अंदाज, अरे भाई धीरज, वक्त होगा ना तो मैं क्या होगा, तुम मुझे आकर लेके चले जाओगे। बस एक यही दुख रह गया है कि वो शायद वक्त नहीं आया कि जब मैं उनको जाके लेकर आता, कहता कि बाबूदा मेरे लिए कुछ करो। मैं बाबूदा को शिक्षित रहने से देखता था, कभी उन्होंने गाड़ी नहीं खरीदी इतने बड़े डायरेक्टर होने के बाद में भी। टैक्सी से आते थे, टैक्सी से उतरते थे, वो टैक्सी में जाते थे, उनके हाथ में एक फाइव का पैकेट होता था। लोग सोचते थे कि बाबूदा हमसे बात करें, बड़े एक्टर छोटे एक्टर सब सोचते थे कि बाबूदा हमसे बात करें। हर आदमी बाबूदा से बात करना चाहता था। मैं बाबूदा को देखता था, बाबूदा का ऑफिस नॉर्थ रोड में था, जितने स्ट्रगलर लोग हैं वहां दोपहर को लंच करने जाते थे, जो अनाथ बच्चे होते थे उनको बाबूदा पालते थे, कुछ अभी हमारे पास यहां पर आए भी हैं, जिनका कोई नहीं होता था उनके बाबूदा होते थे। उनसे मेरी मुलाकात 74 में हुई और 74 से लेके आज तक सिर्फ मैं उनको ही अपना गॉडफादर, उनसे अच्छी अच्छी बातें मैंने सीखी। एक दिन वो मेरे को बोले कि वो इतने सच्चे थे, एक छोटी सी घटना उनकी थी, मैं बहुत परेशान था और मैं तकरीबन उनके पास जाता डेली चला जाता था, तो एक दिन बोले सुधाकर अगर तू इस लालच में मेरे पास आ रहा है कि मैं तुझसे गाने लिखवाऊंगा तो ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा बाबूदा मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। बोले नहीं आजकल तेरे दो चार गाने चल गए हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि तू क्यों आ रहा है। जब तक मैं फिल्में बनाऊंगा और नक्श लालपुरी साहब मेरे साथ हैं मेरा लिरिक राइटर चेंज नहीं होगा। तो बाबूदा एकदम सच बोलते थे, बहुत ही उनको ये बात पसंद थी कि अगर उनसे सच बोल दिया जाए, कोई गलती भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके अपने जो जीने के अंदाज था वो ऐसा था कि ऐसा संत ऐसा फकीर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और मैंने अपनी पूरी लाइफ में उनसे एक बात सीखी है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो हमेशा कहते थे कि दौलत जोड़ने से कुछ नहीं होगा, या तो काम नहीं आएगी, और काम आएगी तो भी काम नहीं आएगी। मैंने बोला काम आएगी तो भी काम नहीं आएगी। कहता सुधाकर धन दौलत बहुतों के पास होती है, अगर लोग आपका मुस्कुरा के हालचाल पूछते हैं यही सबसे बड़ी अमीरी। आज उनका एक नायाब मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है जो उन्होंने 2 जनवरी 2012 को मुझे भेजा था। लाइक वर्ड्स लेट अस लीव बिहाइंड व्हाट वी डोंट नीड टू कैरी, सैडनेस पेन फियर एंड रिग्रेट, लाइफ इज ब्यूटीफुल जॉय, हैप्पी न्यू ईयर 2012, आई लव यू बिया विशाला। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ मौजूद हैं, और मैं पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। और इतना सब कुछ कहा जा चुका है मेरे हस्बैंड के बारे में, जो इसके लिए मेरे पास ना तो मेरे इतने जज्बात इस कदर, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है कि उनके बारे में कुछ हो। बस मैं सबके आभारी हूँ, आर्टिस्ट राइटर्स एसोसिएशन और ठाकर जी, अशोक पंडित जी,
और बाकी सारे लोगों के बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे शुरू से लेके आखिर तक गिरफ्तार किया और मुझे हिम्मत बनाई, मेरी हर तरह से उन्होंने मेरी मदद की और मुझे दरअसल लगा कि इस इतने बड़े शहर में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अपने यही हैं सब। और मैं आज भी यही महसूस कर रही हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अपने मेरे पास हैं, यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरा घर है और यही लोग मेरे सब हैं। धन्यवाद। मैं कोई संस्मरण सुनाने नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों की उपस्थिति देखकर एक छोटी सी घटना कहना चाहता हूँ। एक गांव था, उस गांव के बाहर एक कुटिया में बुढ़िया रहती थी और जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसका अंतिम संस्कार जब करने जाते थे तो उसके घर के आगे से ही गुजरना पड़ता था। और जब भी किसी को लेके जाते थे तो बुढ़िया दो बातों में से एक बात जरूर बोलती थी, कभी तो बोलती थी अच्छा हो गया मर गया और कभी बोलती थी हे भगवान तूने इसको क्यों मार दिया। लोग बहुत हैरान होते थे कि इसको नहीं पता कौन मरा, वो बच्चा था, बड़ा था, महिला थी या पुरुष था, लेकिन बोलती जो भी थी वो ठीक बोलती थी। तो एक दिन सब मिलकर उसके पास पहुंचे और कहने लगे कि भाई हमें बताओ तुम्हें कैसे बोलती हो। उसने बोले बहुत आसान सी बात है। बोले कैसे बोलती हो? बोले मैं देखती हूँ कि जब कोई आदमी मर गया और उसके अंतिम संस्कार करने के लिए चार आदमी जा रहे हैं तो मैं समझ जाती हूँ ये आदमी जिंदगी में किसी काम नहीं आया, तो इसके जीने का क्या फायदा, अच्छा हो गया मर गया। और जब मैं देखती हूँ कि कोई आदमी मर गया और बहुत सारे लोग उसके पीछे रोते जा रहे हैं, वो किसी के काम नहीं आ सकता और फिर भी उसके साथ जा रहे हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये बहुत अच्छा आदमी था, तो मैं कहती हूँ भगवान तूने इसको क्यों मार दिया। तो मैं समझता हूँ आप लोगों की उपस्थिति देख कर अगर वो बुढ़िया आदमी यहाँ होती तो अवश्य यही कहती कि हे भगवान तूने इनको क्यों उठा लिया। तो ये आदमी जो कुछ करता है वो उसके साथ जाता है। तो मेरे एक मौत के ऊपर कुछ पंक्तियाँ आ रही हैं किसी कवि की, मौत मेरी नहीं ये कजा की मौत है, मौत मेरी नहीं ये कजा की मौत है, फिर मैं क्यों डरूं इससे कि मरकर नहीं मरना मुझे, मौत एक मासूमी का वक्फा है यानी आगे चलेंगे दम लेकर, बेदिल बेनवाओ व कम नजरो जिंदा रहकर न रोज रोज मरो, मौत की कोई दवा नहीं मुमकिन जिंदगी का तो कुछ इलाज करो, बिजलियां भी टूटेंगी जलजले भी आएंगे, फूल मुस्कुराए हैं फूल मुस्कुराए हैं।